व्हाट इज ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है एंड व्हाट इज एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम क्या है। आज आपको इस वीडियो के बारे में मैं जागरूक करूंगा, अवेयर करूंगा कि क्या है डिफरेंसेस, और मैं इस वीडियो के अंदर ये सच बताने वाला हूं ताकि आप भी जान पाएँ और आप भी कमेंट के अंदर में रिप्लाई दे पाएँ कि हाँ परमानंद सर आप जो बता रहे हो वो बिल्कुल सही है, न्यू स्कीम बढ़िया है या फिर पुराने वाले जो स्किल्स थे स्कीम्स थे वो बढ़िया थे पेंशन के। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अगर अच्छा लगता है नॉलेज तो इस वीडियो को हर एक घर में फैलाना ताकि हर एक लोगों का फ़ायदा हो पाए। अगर नहीं फॉरवर्ड करोगे, नहीं शेयर करोगे तो शायद नुकसान में आप ही जाओगे, बिकॉज इस वीडियो के अंत में मैं ऐसी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जिस चीज़ को जानकर आप शायद शॉक हो जाएंगे बिल्कुल कि यार क्या बता दिया आपने, ऐसा भी होता है क्या, लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओपीएस एंड एनपीएस, दैट मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम एंड न्यू पेंशन स्कीम क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम अपना दे दें। दिस साइड परमानंद, आई एम बेसिकली फ्रॉम मधुबनी बट नॉट करेंटली आई एम लिविंग एट दरभंगा। एंड आज के दौर में कुछ नए स्किल्स को सीखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, आपको भी ज़रूर सीखने चाहिए। हर किसी के पास डिग्री है बट पूछोगे क्या स्किल्स है कुछ एक्स्ट्रा, बोलेगा नहीं भैया बिल्कुल नहीं है। तो भाई स्किल्स पर ध्यान दीजिए, ठीक है, डिग्री हर किसी के पास होता है बट आपको सेलेक्ट क्यों करेगा कोई कंपनी, बिहार सरकार क्यों लेगा आपको। अगर आपके अंदर में कुछ नए स्किल्स होंगे, कुछ नए चीज़ों को समझने का सोचने का अंदर में दृढ़ इच्छा नहीं होगा तो शायद नहीं कर पाएंगे ना आप। तो जो भी लोग थोड़ा सा हट के रहते हैं उनको जॉब मिलता है, तो आप भी नए स्किल्स पर ध्यान दीजिए। मैं भी नए स्किल्स को सीख रहा हूँ और अभी भी देख लीजिए मैं नए स्किल्स को सीख करके आप सबों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, लेट्स बिगनिंग द डिफरेंसेज बिटवीन ओपीएस एंड एनपीएस। ओल्ड पेंशन स्कीम क्या होता है इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ओल्ड पेंशन स्कीम, मान लीजिए आप ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है ना, ये 2005 से पहले जो भी रिटायरमेंट हुए हैं लोग उनको अभी भी मिल रहा है, और किसको मिल रहा है कैसे मिल रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम, मान लीजिए आपका सैलरी 2005 से पहले जो रिटायरमेंट किए हैं उनका था 1 लाख रुपया, ठीक है। तो हो क्या रहा था, जैसे मान लीजिए हमारी दादी हैं तो उनको मान लीजिए 1 लाख रुपया सैलरी मिलता था, ठीक है। अब रिटायरमेंट के बाद क्या हो जाता है कि वो 50% आपको मिलता है, और जो भी वेतन बढ़ता है जैसे जैसे टीचर का वेतन बढ़ता है वैसे ही वो जो 50% यानी कि 1 लाख का 50% 50,000 होता है, ठीक है। तो 50,000 में थोड़ा सा इंक्रीज होगा, और अगर टीचर का सैलरी इंक्रीज होता है तो रिटायरमेंट वालों को भी इंक्रीज होता है सैलरी। तो इस चीज़ को समझ गया कि जो हमारा सैलरी होता है, जो 1 लाख सैलरी था उसका 50% हमको रिटायरमेंट के बाद दिया जाता था। क्यों? क्योंकि बूढ़े जो भी लोग होते थे उनके बच्चे जो होते थे, ठीक है, चाहे वो बेटा हो उनका या बेटी हो, वो शायद हेल्प नहीं करते थे, उनको मदद नहीं करते थे, ठीक है, फैमिली में। तो उनको दिया जाता था ये स्कीम, और बोलते थे सरकार ने बताया था कि आप अपने घर को चलाइए, अपने खर्चे को चलाइए, ठीक है, फल सब्जी खाइए और सेहतमंद रहिए, और जो भी 60 साल 65 साल 70 साल में रिटायर हो जाते थे अब आप अपने पैसों से फल सब्जी सब खरीद के खाइए और ताज़ा रहिए मस्त। अब दूसरा चीज़ यहाँ पे ट्विस्ट क्या था कि अगर खुदा न खास्ता हमारी दादी माँ डेथ कर जाती है और हमारे दादाजी रह जाते हैं इस धरती पर, तो होगा क्या, वो जो सैलरी मिल रहा था वो दादाजी को मिलेगा, और जब दोनों नहीं रहेंगे तो ये स्कीम बंद हो जाएगा। इस तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम चलता था, ओपीएस चलता था 2005 से पहले। न्यू पेंशन स्कीम क्या हो गया है इसको ध्यान से समझिएगा आप। ओल्ड पेंशन स्कीम एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ, मान लीजिए आपका सैलरी 2005 से पहले 1 लाख रुपया था, तो अब क्या हो गया है 50% रिटायरमेंट के बाद 50,000 आपको मिलेगा, और किसी भी टीचर का सैलरी अगर बढ़ता है तो आपका भी बढ़ेगा, 50,000 से थोड़ा प्लस होगा जो भी होता है, 5-6 हज़ार 10 हज़ार, अगर 10% वृद्धि हुआ तो 5,000 बढ़ेगा तो वो 55 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलता था ओल्ड पेंशन स्कीम। अगर
जो पर्सन रिटायरमेंट है, जैसे मान लो दादा रिटायर हुए और दादा जीवन में नहीं रहे, खुदा ना खास्ता ऐसा होता है, तो दादा मान लो नहीं रहते हैं जीवन में, तो दादी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, उतना मिलेगा पैसा, 50,000 उनको भी मिलेगा। वो था ओल्ड पेंशन स्कीम। अब न्यू पेंशन स्कीम को ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट है। और मैं बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आपको मैं एक बहुत दिलचस्प बातें बताऊंगा, तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। न्यू पेंशन स्कीम में क्या हो रहा है कि सरकार को बहुत ज़्यादा घाटा सहन करना पड़ रहा है। कैसे, वो ध्यान से सुनिएगा। हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान। राजस्थान में इस बीच में क्या हुआ था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था, ठीक है, और सब लोग बोल रहा था कि ओल्ड पेंशन स्कीम चालू करो, चालू करो, चालू करो, ठीक है। और न्यू पेंशन स्कीम सबसे पहले समझ लेते हैं। न्यू पेंशन स्कीम क्या है कि अगर मान लीजिए आपका सैलरी 1 लाख है, ठीक है, तो न्यू पेंशन स्कीम में वो वाला सिस्टम नहीं था कि आप रिटायरमेंट के बाद हर हमेशा लेते रहिए 50,000, 50%। नो, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या था कि अगर मान लीजिए आपका सैलरी 1 लाख रुपये है, ठीक है, इसमें से 90% सैलरी आपको बैंक में जाएगा, और ध्यान से सुनिएगा, 90% जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में जाएगा, बट जो 10% सैलरी है वो डिडक्ट होके आपके सेविंग में चला जाएगा, जो आप रिटायरमेंट होने के बाद वो सैलरी आपको मिलेगा, यानी कि आपके ही सैलरी में से 10% डिडक्ट करके वो रख दिया जाता था साइड में, और 90,000 आपको सैलरी दे दिया जाता था। मतलब वो 10-10,000 जोड़ के जो भी पैसा होगा आपको, वो 60 साल में जो भी बनेगा, जैसे 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख जो भी बनता है, वो आपको लास्ट में दे दिया जाएगा, इकट्ठे दे दिया जाएगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे। ओल्ड में क्या होता था, 50% आपको मिल जा रहे थे। न्यू में क्या है, न्यू में सिंपल समझिए कि जो आपका सैलरी है 1 लाख रुपया पर मंथ, उसमें से 10% बचा के रख लेती थी, और अंतिम में सरकार उस पर्सन को दे देती थी। अब उसमें लोग ज़मीन खरीदता था, जो भी मन हो उसको करता था वो सारी चीज़ें। अब इस बीच में क्या हुआ कि राजस्थान सरकार को, राजस्थान में 1 लाख के आसपास कुछ व्यक्ति थे जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम, जो मतलब धरना प्रदर्शन पे बैठ रहे थे कि हमारे ओल्ड पेंशन स्कीम को चालू करो, चालू करो, चालू करो, तो सरकार ने बहुत चीज़ को देखा और चालू भी किया। चालू करने के बाद हुआ क्या, इसमें देखो बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ सरकार के साथ। उनके साथ क्या हुआ कि वो लॉसेज में चले गए, 1,000 करोड़ के आसपास लॉसेज में मान लो गए, ठीक है, और 1,000 करोड़ जो लॉस में गए वो कौन देगा, अब उनको घाटा हो रहा था, तो किस चीज़ पे जोड़ेंगे, सब आम जनता पे जोड़ेंगे। अब कैसे जोड़ेंगे, मान लो राजस्थान का पॉपुलेशन है सिर्फ 10 करोड़, ठीक है, तो वहाँ के सरकार ने क्या किया, जो 100 करोड़ का नुकसान हुआ था, वो जो पे कर रहे थे 1 लाख लोगों को, ठीक है, पेंशन, तो उसमें क्या होता था कि मान लो 100 करोड़ का नुकसान हुआ, तो वो 100 करोड़ निकालेंगे कैसे, कैसे निकालेंगे वो 100 करोड़, तो उन्होंने क्या किया, जो पेट्रोल का दाम होता है ना, जो पेट्रोल जो सबके ज़रूरत की है, हर कोई गाड़ी चलाएगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, या कुछ भी हो, जो भी व्हीकल होता है वो तो चलाएगा सब लोग। अब सब कोई को ये भुगतना पड़ रहा है, कैसे, इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा तथ्य समझिएगा तो और भी मज़ा आएगा। इसमें क्या होता था, मान लो पेट्रोल है 97, यानी कि 97 रुपये लीटर, सरकार ने क्या कहा, सरकार ने क्या किया कि 3 रुपया बढ़ा दिया, ठीक है, और वो बताता नहीं है किसी को, सरकार किसी को ये बताएगा नहीं, बट ये लागू करेगा, आपको पता नहीं चलने देगा। सर, इस चीज़ पे आप भी ध्यान नहीं देते थे, इसीलिए मैं आपको इस वीडियो को बोला था, शेयर ज़रूर करना ताकि सच्चाई पता चले। अब होता क्या था कि 97 रुपये जो पेट्रोल था वो 100 रुपये हो गया, 3 रुपये हर किसी को देना पड़ेगा, जो भी राजस्थान के जनता हैं 10 करोड़, और 10 करोड़ में मान लो सिर्फ 1 करोड़ इंसान के पास 2 व्हीलर 4 व्हीलर हैं, तो वो पेट्रोल डीजल तो भरवाएगा, तो पेट्रोल डीजल भरवा के जो भी पैसा एक्यूमुलेट होता था, जमा होता था, वही पैसा से ओल्ड लोगों को, जो 1 लाख लोग थे रिटायरमेंट, उनको वो पेंशन मिलता था, और मिल रहा है, शायद अभी भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि फ़ायदा ले रहे हैं 1 लाख लोग, लेकिन भुगतना पड़ रहा है हर एक लोगों को, तो ये बढ़िया है या बहुत बढ़िया है या बकवास है एकदम, वो आप सोचिएगा ज़रूर, फिर आपको पता चलेगा कि यार इतना बड़ा चीज़ ऐसे भ्रम फैलाती है सरकार, ऐसा करती है, तो इस चीज़ को सोचिएगा थोड़ा, जो मैं रियलिटी था वो मैं बताने का आपको प्रयास किया, ठीक है।
इसी तरह से चलता है न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, यही कुछ डिफरेंसेस थे। तो इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर एक दोस्त के पास शेयर कीजिएगा, जो भी उनके परिवार में, जो भी आपके परिवार में या उनके परिवार में रिटायर होने वाले पर्सन हैं, उनको भी ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, और पुराने जो भी लोग हैं वो बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि इसी तरह के बहुत बेहतरीन बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं लाता रहूं और आप नॉलेज लेकर के जागरूक हो सके। ओके, तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। दिस इज़ साइनिंग ऑफ इंजीनियर परमानंद भारती। बेस्ट ऑफ लक।